नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेप्रोक्सिन टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि यह टैबलेट कौन कौन से कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नाम से मार्केट में आते हैं, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेनी चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई नई जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं नेप्रोक्सिन, जो कि एक NSAIDs ग्रुप की ड्रग्स हैं। NSAID का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। दोस्तों, नेप्रोक्सिन टैबलेट NSAIDs ग्रुप की दवा है जो हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले कुछ केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करती है, जिससे बुखार, दर्द एवं सूजन को भी कम करती है। दोस्तों, हम जानेंगे कि ये नेप्रोक्सिन किस ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहला है नेप्रोजी, जो कि जी लैब के द्वारा मार्केटिंग होती है। दूसरा है नेप्रोलेट, जो कि आइकॉन रेमेडीज के द्वारा मार्केटिंग की जाती है। एंड लास्ट वन है नेप्रोवेल, जो कि लीफ और हेल्थ केयर के द्वारा मार्केट किया जाता है। हम जानेंगे कि ये किस कौन से स्ट्रेंथ में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो दोस्तों, नेप्रोक्सिन जो है 250 एंड 500 mg इन टेबलेट फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है, जो कि हमें आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि इनके क्या क्या यूज़ होते हैं, हम किन किन सी डिजीज़ में इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इनके यूज़ का, तो सर्वप्रथम सर दर्द, माइग्रेन में यूज़ करते हैं। नेप्रोक्सिन का यूज़ हम पुराने अर्थराइटिस में भी यूज़ करते हैं, किशोर जो बच्चे में गांठ हो जाते हैं, गाठिया, उसमें भी हम यूज़ करते हैं, तथा मासिक धर्म में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे नेप्रोक्सिन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सर्वप्रथम, नेप्रोक्सिन के सबसे आम दुष्प्रभाव होता है पेट दर्द, कब्ज, दस्त, एसिडिटी होना, नाराज़गी होना, मतलब मन नहीं लगना, अजीब सा फील करती रहना, मलती और उल्टी, चक्कर आना। एंड दोस्तों, हम बात करेंगे नेप्रोक्सिन के कुछ सबसे गंभीर दुष्प्रभाव के बारे में, जैसे छाती में दर्द होना, सांसें लेने में तकलीफ होना, वीकनेस फील करना, बोलने में प्रॉब्लम होना, चेहरे में सूजन आ जाना, BP हाई लो हो जाना, और ब्लड प्रेशर एवं अल्सर भी होता है। दोस्तों, नेप्रोक्सिन लेने से पहले हम अपने डॉक्टर से सलाह ले लें तो अच्छा रहेगा, इसको अपने मन से ना लें, और इसे अन्य दवाई के साथ भी ना लें, इनसे एलर्जी होने की चांसेस होती है। इस दवा को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। नेप्रोक्सिन कैसे लेते हैं, आइए उनके बारे में हम बात करते हैं। नेप्रोक्सिन की गोलियां डॉक्टर के निर्देशानुसार ही लेना है। दिन में एक बार मुंह से टेबलेट लेना है, आमतौर पर गाउट के लिए हर 8 घंटे में, और दर्द के लिए आवश्यकता अनुसार 6 से 8 घंटे में नेप्रोक्सिन की गोलियां ली जाती हैं। यदि आप नियमित रूप से
नियमित रूप से नेप्रोक्सन ले रहे हैं तो गोलियां हर दिन एक ही समय पर लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये रहा नेप्रोक्सन के छोटा सा ब्रीफ जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।